प्रधानमंत्री मोदी के 10 भाषणों के साथ साथ आपने अनेक प्रधानमंत्रियों के लाल किले के प्राचीर पर दिए गए भाषण सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का भाषण सुना है जो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से दिया है? हो सकता आपने एकाध सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको पहली बार 17 साल 1947 से 1963 तक के उनके लाल किले पर दिए गए लाल किले के प्राचीर पर जो भाषण दिए गए उनका संक्षिप्त रूप दिखाऊंगा। आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, और आपको ये पता चलेगा कि जो देश की नींव रखी गई वो कैसे रखी गई। जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये मेरे सैकड़ों घंटों की मेहनत का परिश्रम है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, सैकड़ों घंटों की मेहनत का। आपको एक पहले झलकी दिखाता हूं, आप देख लीजिए। भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। साल भर हुआ जब हम यहाँ आए थे, इकट्ठा हुए थे, एक साल गुजरा। 2 बरस हुए मैंने यहाँ लाल किले पर इस झंडे को फहराया था। आज आजाद हिंद की 3री सालगिरह है। ये वर्षगांठ आपको मुबारक हो। आज 5वीं बार मैं यहाँ इस लाल किले की दीवार पर आया हूँ। आज आजाद हिंद की 5वीं सालगिरह, 5 बरस हुए इस मुकाम पर, इस पुराने शहर दिल्ली में हम जमा हुए थे। आज आजाद हिंद की 6री सालगिरह है। 7 बरस हुए इस नए भारत के पैदा होने को, हमारी आजादी को। आज हम फिर नए भारत, आजाद भारत के सालगिरह पर यहाँ जमा हुए। इस तरह से ये 8 बरस गुजरे। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। आज ये नवी सालगिरह आजाद हिंद की मुबारक हो। 9 बरस हुए दुनिया में एक नया सितारा निकला, आजाद हिंद का। ये दिन जो 10वीं सालगिरह है हमारे आजाद हिंद की, और जो शताब्दी है उस बड़ी जंग आज़ादी की जो इस मुकाम पर 100 बरस हुए हुई थी। बहनों और भाइयों और बच्चों, हम वतनों, आज फिर हमारी आज़ादी की 11वीं सालगिरह। 12 बरस हुए, हजारों बरस के इतिहास में इस मुल्क के, इस कौम के 12 बरस बहुत कम जमाना है। हमारा नाम दुनिया में हुआ था। आज आजाद हिंद की 14वीं सालगिरह वर्षगांठ। 15 बरस हो गए जब इस कौम ने, हमारे देश ने करवट ली। 15 बरस हुए और आज उसका जन्मदिन है, सालगिरह है। हमारे आजाद हिंद की 16वीं सालगिरह पर मुबारक दिन है। अभी आपने दोस्तों जो झलकियां देखी, एक एक साल के हिसाब से दिखाया है मैंने आपको। और याद रखिए, 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री ने भाषण दिए हैं उन सभी का ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया है। एक एक भाषण जो उपलब्ध है, और मेरे ख्याल से अधिकतर उपलब्ध ही है, एकाध भाषण में मुझे दिक्कत हुई। अब मैं सबको दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने नेहरू के भाषण जो 17 साल तक दिए हैं उन ट्रांसक्रिप्ट को निकाल कर, और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों ये सैकड़ों घंटों के परिश्रम का परिणाम है। आपने कभी नहीं देखा होगा और कहीं नहीं देखा होगा, तो आज मैं जो कुछ दिखाऊंगा ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी।
सावरकर के बारे में, गोवा के बारे में, बहुत सारे मुद्दे दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, और कभी भी आपने नहीं देखा होगा नेहरू के इस भाषण को कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को भी देखना चाहिए जो हर मुद्दे पर पीएम मोदी का विरोध करते हैं। तो आज मैं नेहरू के 17 साल के भाषण को ही डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। नेहरू ने 17 साल तक लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया उसका निचोड़ क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हर कहानी, जितने भी भाषण है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो कहानी है, और ये कहानी ऐसी है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चीज़ें निकाली हैं। 1947 के भाषण में आइए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस भाषण को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेहरू की प्राथमिकता क्या है। गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, ये सब दूर करना। एक छोटा हिस्सा सुनिए। सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल हमारी सारी जनता के उद्धार करने के हैं। सवाल है गरीबी को दूर करना, बीमारी को दूर करना, अनपढ़पने को दूर करना, और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। अब जब ये भाषण सुना रहा हूँ ना दोस्तों, तो याद रखिए नेहरू जी ने जो बात कही ना, गरीबी, भुखमरी, ये सब दूर करने की बात, वही गांधी परिवार आज भी कर रहा है। अब जब सुनिएगा तो इस भाषण को याद कीजिएगा। लेकिन नेहरू जी के लिए वाकई वो एक बड़ी परेशानी थी क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, और इतना ही नहीं, उस पहले भाषण में वो महंगाई की समस्या का भी जिक्र करते हैं। खाने की कमी है, कपड़े की कमी है, और ज़रूरी चीज़ों की कमी है, और ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं जिससे जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं। हम कोई इन सब बातों को जादू से तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा पहला फर्ज है कि इन सवालों को लेके जनता को आराम पहुंचाएं। देख रहे ना, नेहरू ने महंगाई को भी छुआ। आज भी कांग्रेस के लोग उसी महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हकीकत तो मैं आपको दिखा चुका हूं। और एक मुद्दा, वो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आगे के हर भाषण में यही चीजें मिलेंगी, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, जो डर पैदा किया जाता है कि आप लोग लड़िए मत, झगड़िए मत। नेहरू के समय तो वाकई उनको बोलना चाहिए था, उस पर मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक छोटा हिस्सा उस समय का दिखाता हूँ, देख लीजिए। इसके पहले एक और सवाल है, और वो यह है कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आप उसकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो, क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त तक कोई और काम माकूल तरीके पे नहीं हो सकता। अब मैं आपको दोस्तों 1948 में लेकर आता हूँ। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, मैं आपको कुछ निचोड़ आपको दिखाता हूँ, और जो मैं आपको हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ ना, ये राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी ज़रूर देखना चाहिए। बड़ा ज्ञान देते हैं ना कि पढ़ा लिखा, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा को लेकर के किस तरीके से पीएम मोदी को बदनाम करते हैं। नेहरू का भाषण सुनेंगे ना तो जरा सा पानी भी नहीं मिलेगा, चुल्लू भर जिसको बोलते हैं। जानते हैं नेहरू जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि काबिलियत से भी ज़्यादा ज़रूरी है उस व्यक्ति में सच्चाई हो, ईमानदारी, सेवा भाव की भावना हो। मैं भी सहमत हूँ। बयान सुनिए। हमें काबिल आदमी चाहिए बड़े बड़े काम करने के लिए, लेकिन काबिलियत से भी ज़्यादा ज़रूरी बात है सच्चाई, ईमानदारी और एक 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 सेवा का भाव। अगर हम खिदमत नहीं ठीक करते और अगर हम में सच्चाई नहीं, तो फिर हमारी काबिलियत हमें किधर ले जाएगी? वही काबिलियत से मुल्क में और नुकसान हो सकता है। एक बात और मैंने नोटिस किया दोस्तों कि नेहरू जी लोगों को शिक्षा देते हैं, वो बताते हैं कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अपने आप पैसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि आज़ादी मिल गई तो पैसे मिलने लग जाएंगे, सरकार देने लग जाएगी। वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपको काम करना चाहिए। अभी ये बयान अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जब आप सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि केवल ज्ञान ही देते, जनता के लिए तो बहुत सारा है। वैसे अभी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये अच्छी चीज़ है और इससे जनता का ही भला होगा। बयान सुनिए। लोग समझते हैं
कि कहीं बाहर से दौलत आए उसका हम बंटवारा करें, चारों तरफ से मांगे आए, चाहे प्रांत हो चाहे संस्थाएं हो। वो पैसा कहाँ से आता है? जनता की मेहनत से आता है। जो मेहनत से जनता कमाती है, जो खेत में जमींदार किसान कमाता है, जो कारखाने में कमाता है, जो दुकान में कमाता है, इस तरह से देश की दौलत बढ़ती है, धन बढ़ता है, देश तरक्की करता है। इसलिए हमें हमारे और आपके लिए, अगर हम चाहते हैं देश तरक्की करे, तो औरों को सलाह देने से काम नहीं चलता, बल्कि ये देखने से कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब मैं 1948 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि यही वो भाषण था, महात्मा गांधी की हत्या के बाद ये भाषण दिया गया था। और इसी भाषण में जब आज़ाद भारत का पहला दंगा हुआ, मैंने आपको दिखाया है, तो उसको किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं, ये उसी भाषण का हिस्सा है, अब देख लीजिए। आखिर में वो जबरदस्त सदमा हमको पहुंचाया कि हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको उनको खत्म किया, उसका एक जबरदस्त असर देश पर हुआ, अहो नहीं था। अब आपको मैं 1949 के भाषण में लेकर आता हूं। इस भाषण में भी महात्मा गांधी की हत्या की चर्चा करते हैं, ये भी बताते हैं कि 1950 में यानी अगले साल भारत गणतंत्र बन जाएगा। इसके अलावा मुझे कोई बहुत विशेष बात नज़र नहीं आती, वही सारी पुरानी चीज़ें। लेकिन हाँ, इस भाषण में एक बात मानते हैं कि जो शरणार्थी भारत आए उनको ठीक से बसाया नहीं गया। बयान सुनिए। हमारे सामने सवाल है, आर्थिक सवाल है, बड़े बड़े सवाल हैं। माना कि अभी तक हमारे लाखों भाई और बहन हैं शरणार्थी, वो ठीक ठीक तौर से जमाए नहीं गए, बसाए नहीं गए, है सवाल, इनको हमें संभालना है और हल करना है। अच्छा, इस साल जो भाषण दिया ना दोस्तों, तो एक पैटर्न आपको यहाँ से भी दिखेगा। वो पैटर्न ये है कि नेहरू को विश्व पटल पर छा जाने का बड़ा शौक रहा है, वो बड़े बड़े काम करना चाहते थे, लेकिन वो मतलब गर्व महसूस करते थे कि आप देखिए, याद रखिए वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और तमाम चीज़ें। तो यही वो भाषण है जहां से उनकी ये महत्वाकांक्षा जगने लगी कि भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और इसीलिए आम आदमी को बोलते हैं कर्तव्य पर ध्यान दो, काम करो अच्छे से। बयान इस वक्त हमारा ये देश भारत एक दुनिया के मैदान में बड़े देशों में एक बड़ा खेल खेल रहा है। तो फिर अगर आप बड़े देश के बड़े नागरिक हैं, तो आपको और हमको भी कुछ बड़े दिल का और बड़े दिमाग का होना है। छोटे आदमी बड़े काम नहीं करते, छोटे आदमी बड़े सवालों को हल नहीं कर सकते। न हम गुल शोर मचा के हल कर सकते हैं, न नारों से, न शिकायतों से, न इतराज से, न दूसरे को बुरा भला कहने। अगर हम एक एक आदमी और औरत अपना कर्तव्य पूरा करें, अपना फर्ज अदा करें। अब मैं आपको 1950 के भाषण पर लेकर आता हूँ। ये सारे भाषण तो लाल किले में दिए गए, 15 अगस्त का ही भाषण दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ और मेहनत की जाए, और इसीलिए ये सारे भाषण उन्हीं की जुबान से निकाल करके लाया हूँ, ट्रांसक्रिप्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। इस भाषण में भी दोस्तों नेहरू जी पहले की तरह वही झगड़ा दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं कि बचे रहिए, झगड़ा मत कीजिए, इसके बाद खाने का संकट है उसे दूर करने की बात बताते हैं, फिर आज़ादी की लड़ाई की बात बताते हैं कि किस प्रकार से ये आज़ादी हासिल की गई है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा दोस्तों, और ये राहुल और बाकी विपक्षियों को भी सुनना चाहिए। आज तो आप भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने के बाद भी ये लोग उम्मीद करते हैं कि इन पर देशद्रोह की धारा ना लगे, इन्हें देशद्रोही नब बताया जाए। लेकिन अगर नेहरू जी की बात करें तो जानते हैं वो इस भाषण में क्या कहते हैं कि अगर कोई बात हिंदुस्तान की हो तो उसको सपोर्ट ही करना होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहें। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जब आपका और मेरा और हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है कि जो भी हम में एक दूसरे में फर्क हो, फर्क है फर्क रखें, अगर जी चाहे मुझसे आप लड़े मैं आपसे लड़ूं, लेकिन जब हिंदुस्तान का मामला उठता है तो आप हिंदुस्तानी हो मैं हिंदुस्तानी और हर एक शख्स हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी नहीं है, और अगर नहीं मानता इस बात को तो हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसी और मुल्क में जाके रहे। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं कि अगर नहीं मानता इस बात को कि हिंदुस्तानी नहीं है तो किसी और मुल्क में जाकर रहे। आज भाजपा वाले अगर कोई बोल देते हैं कि अगर पाकिस्तान जय जय करोगे तो पाकिस्तान में रहो,
तो उसे ही आप गुनाह के तौर पर पेश कर देते हैं। आप बताइए, नेहरू जी बोल रहे हैं, ये सुनना चाहिए। अब मैं आपको 1951 के भाषण पर लेकर आता हूँ। इस भाषण में जो मैंने पूरा सुना उसमें दिल्ली शहर पर काफ़ी कुछ कहा गया, आज़ादी के सफ़र को याद किया गया, लाल किला, चांदनी चौक, तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी थी। और मैंने आपको ये भी दिखाया था दोस्तों शुरू में कि वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन इस भाषण में एक अजीब सी चीज़ बोलते हैं। लोगों को समझाने के चक्कर में ही इस देश की जनता को ही कोसने लगते हैं। हैरानी होगी सुनकर, सुन लीजिए। याद रखिए, 40 करोड़ लोग हैं, जाहिर सी बात है कोई 40 करोड़ हिंदुस्तान में फरिश्ते नहीं हैं, कमजोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं, कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करें, सब तरह के मुल्क में होते हैं। तो हमें इस बात से घबराना नहीं है, बाहर के मुल्कों से लोग आ सकते हैं झगड़ा के साथ पैदा करने। और जानते हैं दोस्तों, ये सब बोलते बोलते नेहरू ये भी बताते हैं कि चीन के लोग मेहनत करते हैं, अमेरिका के लोग करते हैं, और यहाँ के लोग सिर्फ सरकार की तरफ ही देखते रहते हैं, काम करें। और फिर वो बताते हैं कि असली लड़ाई गरीबी और बेकारी से ही लड़ाई है। आप पहले ये बयान सुन लीजिए। दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है, और वो लड़ाई है असली लड़ाई, हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। अब मैं आपको एक बहुत सॉलिड चीज दिखा रहा हूँ, ये भाजपाइयों को जरूर भेजिएगा, कांग्रेस को भी देखना चाहिए। आज महंगाई के बारे में सब पीएम मोदी पे ही निशाना साधते हैं, दुनिया में कुछ भी हो जाए नहीं, पीएम ही जिम्मेदार है। और वैसे तो यहाँ की महंगाई वैसे भी सबसे कम है, लेकिन जानते हैं 1947 से चीजें चली आ रही है महंगाई की। अब नेहरू जी एक बहाना बताते हैं कि कोरिया में लड़ाई हो रही है इसीलिए चीजों के दाम बढ़ गए, अमेरिका में कुछ होता है तो यहाँ भी दाम बढ़ जाते हैं। बयान सुन लीजिए। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात है। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से पड़ जाए। और इतना ही नहीं, जनता को कोसते भी है कि हर चीज के लिए सरकारी अफसर की तरफ मत देखा करो। सुनिए ना, बहुत आपका सरकारी अफसरों की तरफ देखना और हर बात गवर्नमेंट कर दे वो भी गलत है। एक और मजेदार चीज सुनाता हूँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज जो विपक्ष लॉलीपॉप बांटता है, फ्री की रेवड़ी, उसके बाद उम्मीद करता है कि मोदी जी पैसे का इंतजाम करें। मनमोहन का एक बयान याद है कि नहीं आपको, कि वो बोलते हैं रुपये पैसे पेड़ पर नहीं उगते। कहाँ से आया था ये बयान, अभी नेहरू का सुनाता हूँ, बड़ा खोज के निकाला है। वो भी यही बात बोलते हैं कि रुपया आसमान से नहीं टपकता। सुनिए ना, इस वक्त हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं में बेशुमार रुपया खर्च होता है, कहाँ से रुपया आए? आखिर रुपया आप देते हैं टैक्स में, कहीं आसमान से तो नहीं टपकता। अब मैं आपको 1952 के भाषण का अंश सुनाता हूँ दोस्तों, इसमें भी लगभग वैसा ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत अलग है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। केजरीवाल 26 जनवरी का भी विरोध करते थे और खुद को देशभक्त भी बताते हैं। अब नेहरू जी का सुनाता हूँ कि आज़ादी के दिन अगर कोई कुछ कह दे तो उन्हें इस बात का दुख होता था, विरोध नहीं होना चाहिए। बयान सुनिए। हिंदुस्तान की आजादी संभाले, जिसमें झंडे किसान कम हो, जिसमें इसलिए ये आज के दिन, आज का मुबारक का दिन, कोई रंग का इशार करे, ये बात भेजा है। और फिर एक चीज दोस्तों, आम जनता को ज्ञान 1947 से शुरू किया था ना, कोसते हैं, बल्कि अपने विदेश नीति के बहाने खुद को ऊपर उठाते हैं, जनता को कोसते हैं, बोलते हैं कि इनको अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसियों की फिक्र होती है। अब ऐसा नहीं कि 2-4 सौ 1000 लाख, मतलब वो एक जनरल भाषण दे रहे हैं, वो भी लाल किले से। सुन लीजिए। चाहे अपना काम हम करें ना करें, हर एक को अपने पड़ोसी के काम की फिक्र है, अपने काम की नहीं, और इससे ना पड़ोसी काम कर सकता है ना हम कर सकते हैं, इसलिए हमें मिलकर करना है। अब आपको मैं 1953 के भाषण पर लेकर आता हूँ, जो 15 अगस्त को दिया गया। हर बार की तरह महात्मा गांधी की याद करते हैं, दंगा फसाद की बात करते हैं, कैसे आज़ादी मिली इसकी बात करते हैं, हिंसा सांप्रदायिकता उसकी भी दुहाई देते हैं,
इस भाषण में दोस्तों कश्मीर पर बहुत लंबा जिक्र किया है, उस पर मैं कभी अलग से अलग वीडियो ही बनाऊंगा, वो बड़ा लंबा भाषण है। और इस एपिसोड में भी इसका गुणगान करते हैं कि विश्व पटल पर भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी सेना बाहर जा रही है, सुनिए ना। और आप जानते हैं कि इस समय हमारे कुछ साथी, हमारी कुछ फौजें हिंदुस्तान के बाहर जा रही हैं हजारों मील कोरिया के तरफ। क्यों फौजें जा रही हैं? आकाशवाणी फौजें देश को छोड़ के जाती हैं, जाया करती थी लड़ाई लड़ने और मुल्कों में, लेकिन हमारी फौज जा रही है लड़ाई के लिए नहीं, लेकिन एक अमन के लिए। और जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, याद रखिएगा, अभी गोवा की जब बात बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इसी भाषण में वो पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में बहुत गलत छप रहा है, एकदम गलत छप रहा है, सुनिए ना। जब मैं पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ता हूँ इस पिछले चंद दिनों के, तो मैं हैरान हूँ कैसी गलत खबरें उसमें छपी कश्मीर के बारे में, कि हमारी फौजों ने वहां क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपसे कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, जानकर कहता हूँ, हमारी फौज से वहाँ कोई हिस्सा इसका। फिर इसके माने क्या, ये झूठ झूठ इस तरह से फैलाया जाए। अब सवाल ये है कि नेहरू जी को कैसे पता, हो सकता पता चल गया, उस समय तो इतना सिस्टम तेज नहीं था। लेकिन वो खुद बताते हैं कि वो पाकिस्तान गए थे, दावत पर गए थे और बहुत मजा आया और वहीं देखा उन्होंने। सुन लीजिए, अभी चंद रोज हुए मैं पाकिस्तान गया था उनकी दावत पर, और हुकूमत ने और वहाँ की जनता ने बहुत मोहब्बत से मेरा स्वागत किया, मेरे दिल पर उसका जबरदस्त असर हुआ। देख रहे हैं ना, दावत में बहुत मजा आया, कितनी त्रासदी हुई थी विभाजन में, विभाजन विभीषिका दिवस मोदी जी मना रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आगे बढ़िए, आज मोदी जी पाकिस्तान एक बार गए थे समझाने के लिए, उसके बाद तो पटक पटक के मारा, लेकिन उस पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद जब वो दावत से लौटे नेहरू जी, तो बताते हैं कि कल जो है वो पाकिस्तान के वजीरे आजम प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप भी उनका वैसा ही इस्तकबाल कीजिए। सुन लीजिए, पाकिस्तान, ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। दिल्ली शहर आ रहे हमारी दावत पर, जैसे उनकी दावत पर मैं कराची गया था वो आते हैं। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। दिल्ली के रहने वाले, इस पुराने शहर तारीखी शहर के रहने वाले, शान से उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें, दिखाएं आकाशवाणी हमारा दिल बड़ा। देख रहे ना, लेकिन ये नहीं पूछा होगा कि कश्मीर के बारे में क्यों गलत खबरें छप रही हैं। छोड़िए इस बात को, अब आप 1954 में आइए, वही पुराना राग दोस्त, मैंने पूरा भाषण सुना है, तब बता रहा हूँ, गरीबी दूर करेंगे, आज़ादी कैसे मिली उसकी याद करना, सब कुछ वही। और नेहरू इस बार कहते हैं कि 7 बरस में ये देश एकदम से चल पड़ा है। जानते हैं क्यों? आश्चर्य करेंगे, क्योंकि पुराने जाहिल लोग काम कर रहे हैं, जाहिल लोग सोते हुए लोग जग गए हैं। सुन लीजिए, हिंदुस्तान के हजारों और लाखों देहातों में एक बिजली की तरह एक नया असर पैदा हुआ है, पुराने सोते हुए लोग जागे हैं, पुराने जाहिल काम कर रहे हैं और उनके शरीर दिल और दिमाग एक नए तरफ झुके। देख रहे हैं ना, मतलब कौन से जाहिल लोगों की बात कर रहे हैं, कौन से सोते लोगों की बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। और एक तरफ आम आदमी को जाहिल बोलते हैं, तो दूसरी तरफ बताते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हिंदुस्तान रोल प्ले कर रहा है मतलब कौन है, समझ रहे हैं ना, सुनिए। हिंदुस्तान बढ़ा, दुनिया बढ़ी हिंदुस्तान की वजह से, बर्मा आजाद हुआ, बर्मा ने मदद की दुनिया के अमन में और मुल्क हुए। उस समय तो नेहरू एक एक महीने की विदेश यात्रा पर जाते थे और बताते हैं कि बर्मा को आजादी दिला दी हमने। सुन लीजिए, मैंने आपको एक मिसाल दी थी, एशिया में हिंदुस्तान की आज़ादी मंजूर हुई, हिंदुस्तान भाग एक दुनिया को उसने फायदा उठाया, बर्मा बढ़। अब आप 1955 में आइए दोस्तों, लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया गया, इस भाषण में भी दुनिया भर की बातें करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आप एक भाषण नहीं सुन सकते दोस्तों,
जिसका भारत की लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ गरीबी है, बीमारी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, लेकिन कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। इतने साल हो गए और आप देखिए इसमें पंचशील का गुणगान करते हैं। आप समझिए कैसे लोग सुन रहे होंगे, सह रहे होंगे, देख रहे होंगे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन इस भाषण में गोवा का जिक्र होता है। इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे वो साफ साफ बताते हैं कि हम गोवा में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी आपको सुनाया था ना कि दुनिया के देशों में भेज रहे हैं अपनी सेना शांति स्थापित करने के लिए, गोवा में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सुन लीजिए, गोवा के मामले में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करने वाले, हम इसको शांति के तरीकों से हल करने वाले, और कोई इस धोखे में न रहे। फौजी कार्रवाई करें। और प्रधानमंत्री नेहरू डंके की चोट पर कहते हैं दोस्तों कि गोवा में फौज नहीं भेजी जाएगी। एक बार फिर सुनिए, यह अलग बयान है उसी साल का। लोग गलत खबरें मशहूर करते हैं कि हम तोप, बंदूक और टैंक वहाँ जमा करते हैं, फौजें गलत है, कोई फौज आसपास गोवा के नहीं। अंदर के लोग चाहते हैं कि कुछ गुलशोर मचा के ऐसे हालात पैदा करें कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे, समझ रहे सब लोग इस बात को। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि नेहरू कहते हैं ना शांति से मिल जाएगा, शांति से कुछ नहीं होता। लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है, गोलियां खानी पड़ती है, तब भी इस देश में भी आज़ादी मिली है, ये सच है। आप सत्याग्रह कीजिए, करते हैं, लेकिन अगर वो रिवॉल्यूशनरी नहीं होते तो क्या होता। लेकिन गोवा के मामले में नेहरू वही गुणगान करते हैं। उनको पता है कि जो सत्याग्रही जा रहे हैं उनको छोड़ देते हैं, बोलते हैं अपनी शर्तों पर जाइए, जो रिवॉल्यूशनरी उसको बोलते हैं गोली तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन उनको ये भी पता है कि सत्याग्रहियों पर भी गोली चलाई गई, जिसकी वो मदद नहीं करते, निंदा करते हैं। बयान सुन दो लोग इस बात को संग्रहालय की जा रहे हैं, मुबारक हो उनको जाना। लेकिन लेकिन कि याद रखें कि अब सत्याग्रही अपने को कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल और सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रही के पीछे फौजें नहीं चलती हैं, न फौजों को फौजों की पुकार होती है, फिर वो खुद उस मसले को दूसरे तरीके से उसका सामना करते हैं। ये तो हुआ, लेकिन एक और सवाल है। हमने देखा पिछले जमाने में कई बार ये सत्याग्रही जो गए थे उन पर गोली चली और कुछ नौजवान उनमें से मरे। लड़ाई में एक दूसरे पे गोली चलती है फौजों में और बर्दाश्त करनी होती है, लेकिन एक उसूल हमें सामने रखना है और दुनिया को सामने रखना है। निहत्ते लोगों पर जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है उनके ऊपर गोली चलाना कहाँ तक रवा है, कहाँ तक मुनासिब है किसी मुल्क के लिए। अब 1956 पर आइए दोस्तों। नेहरू जी बड़े गर्व से बताते हैं कि भारत ने दुनिया में कई जगह शांति स्थापित की, दोस्ती कराई। अभी मैंने आपको सुनाया गोवा में क्या किया, अपने सत्याग्रहियों पर गोली चल रही है, कुछ नहीं किया। लेकिन ये दूसरी मैंने दुनिया भर के देशों में खूब करना है, पंचशील का भी ढोल पीटा। 1962 आते आते क्या होगा आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा स्वेज कैनाल को समर्पित कर दिया कि हमारी दोस्ती मिस्र और इंग्लैंड से है, अमन से ये मुद्दा सुलझेगा। और अमन का ये ज्ञान किसने दिया, हमने ही तो दिया था, बापू ने सिखाया था। बयान सुनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त दुनिया के सामने इस स्वेज कैनाल के मामले में एक बड़े अंदेशे पैदा हुए, जिसके लिए कल लंदन में एक सम्मेलन एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई न कोई रास्ते निकलेंगे अमन से इस बात को तय करने के। हमारी दोस्ती इस हमारी दोस्ती हर मुल्क से, हमारी दोस्ती खास तौर से मिस्र से, हमारी दोस्ती खास तौर से इंग्लैंड से। अब एक महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूँ आपको दोस्तों। उस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का विरोध हुआ था, उसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था, कई जगह आगजनी की घटना हुई थी और उस पर नेहरू ने सीधी चेतावनी दी। आज अगर मोदी जी कह दें तो क्या हो जाए कल्पना करना मुश्किल है। बयान सुनिए। हमारी लोकसभा
हिंदुस्तान के चुने हुए लोग सारे मुल्क से आते हैं, हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं, हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की शान है। वहाँ जो कोई फैसला हो वो हिंदुस्तान का कानून है। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। वहाँ एक चीज सभा में स्वीकार हो और उसके खिलाफ बदले हो, और पुलिस वालों के ऊपर मुकाबले हो या सरकारी इमारतें जलाई जाए। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। देख रहे ना, अभी मोदी जी ने 3 किसान कानून लेकर आए थे। नेहरू जी होते तो क्या कहते पता है कि अगर आप विरोध करते हैं तो आप हिंदुस्तान के वफादार नहीं हैं। मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी बदनाम कर दिया। आप सुनिए कि कैसे लड़ाई झगड़े और बाकी बात कहते हैं। अगर कोई दल हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़े की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाता है तब वो हिंदुस्तान के का वफादार नहीं। अब आपको एक हिस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, आपको पता चलेगा कि नेहरू की शख्सियत कैसी थी। अगर लोकसभा में बिल पारित हो गया तो ये पत्थर की लकीर है, सुन लीजिए। जो लोकसभा का पार्लियामेंट का हुक्म है उस पे अमल होगा, क्योंकि वो कानून मुल्क का होगा और इस तरह से तो बदलेगा नहीं। चुनाचे हर एक को समझ लेना चाहिए कि लोकसभा का फैसला जो हुआ है इस मामले में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिल में वो पत्थर की लकीर है और वो नहीं उससे हट सकता, चाहे कुछ जो कुछ हो जाए। सीधी बात यह है। आज दोस्तों इस भाषण को कांग्रेस को, राहुल गांधी को और तमाम विपक्षी पार्टियों को सुनाना चाहिए जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कि क्या सीएए कानून लोकसभा ने पास नहीं किया था, संसद ने नहीं बनाया था? क्या 3 किसान कानून संसद ने पारित नहीं किया था? लेकिन वो पत्थर की लकीर के लेकर के नहीं अडिग रहे मोदी जी। और इतना ही नहीं, नेहरू ने यह भी साफ कर दिया कि अगर लोकसभा में कानून बन गया तो हर एक हिंदुस्तानी को झुकना ही होगा। बयान सुनिए। जब पार्लियामेंट कोई बात कहती है तो ना मेरी है, ना उनकी है, ना आपकी है, वो हिंदुस्तान की बात है और हिंदुस्तान की बात के सामने हर एक को झुकना है। इसलिए ये जो फैसले हुए हैं लोकसभा की तरफ से और अब राज्यसभा में जाएगा, ये फैसले पक्के हैं, ये बात हर एक को समझनी है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ दोस्तों 1957 का, इतना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसी एक साल पर मैं आधे घंटे का वीडियो आपके सामने बना सकता हूं। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, 1857 की क्रांति के 100 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नेहरू याद करते हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे 100 साल पहले स्वतंत्रता आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। और आप जानते हैं ना 1857 को जो पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया वो किसने बताया? वीर सावरकर ने बताया। ये वही वीर सावरकर हैं दोस्तों जिसे राहुल गांधी दिन भर गाली देते हैं, हर जगह गाली देते हैं। और उसी 1857 की क्रांति के जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर से गीत गाते हैं। बयान सुनिए। 100 बरस की कहानी मौजूद है और तरह तरह के नाम हमारे पास आते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाई और जिन्होंने अपने खून से बुनियाद डाली आज़ादी की, जिसको हम आज मनाते हैं। क्योंकि आज़ादी का लेना कोई एकदम से, कोई जादू से तो होता नहीं, उसकी भी ईंट ईंट करके लगा के वो आज़ादी की इमारत बनी। 100 बरस से बननी शुरू हुई और तरह तरह से बनी। आप जानते हैं कैसे शुरू में 100 बरस हुए, बड़े जंग हुए थे, बड़े बड़े उसमें हिंदुस्तान के नेता निकले। अभी जितनी चीज बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये सब के सब यूनिक है, कहीं आपने देखा नहीं होगा जितनी चीज मैं बता रहा हूँ। और जब मैं 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ तो ये याद रखिए, इस देश में इतिहासकारों में भारी मतभेद था, यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अब देखिए किसने क्या कहा। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते थे, भारतीय इतिहासकार इसे भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, और 1857 का विद्रोह कहते थे। लेकिन वो वीर सावरकर हैं दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने पहली बार इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। आज राहुल गांधी को नेहरू का ये बयान सुनना चाहिए
एक तरह से वो सावरकर की बात को ही जनता के सामने पेश करते हैं। सुन लीजिए, लोग बहस करते हैं कि 100 बरस की जो आजादी का जंग था उसके निस्बत हमारे इतिहास के लिखने वाले बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, और ठीक है क्योंकि कई राय हो सकती हैं, किसने उसका इंतजाम किया, किसने उसको संगठन किया, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मोटी बात तो यह है कि हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के अक्सर लोग उठे और जो पराया राज था उसको हटाने की कोशिश की, इसमें कोई शक है किसी को, और उसमें वो मिलकर उठे। एक और जानकारी आपको देता हूं कि सावरकर ने ही 1907 में पहली बार, जो 50 साल पूरे हुए थे ना 1857 की क्रांति के, तो लंदन में इसका समारोह मनाया था ताकि लोगों को पता चले कि हमारी लड़ाई 50 साल पहले शुरू हुई थी, और तब जाकर उन्होंने किताब लिखी थी और ये बताया था कि ये स्वतंत्रता का पहला आंदोलन है था, और यही बात नेहरू भी बताते हैं। सुन लीजिए, यकीनन ये सही बात है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जंग वो थी 1857 की, माना कि उस वक्त का हिंदुस्तान दूसरा था, उस वक्त का हिंदुस्तान राजाओं का था, उस वक्त का हिंदुस्तान बहादुर शाह बादशाह का था, माना, लेकिन जो कुछ उस वक्त का हिंदुस्तान था उसने अपनी आजादी की कोशिश की और आम जनता ने भी अक्सर उसमें शिरकत। अब आपको मैं दोस्तों 1958 के भाषण में लेकर आता हूँ, इसमें भी वही लड़ाई झगड़ा सांप्रदायिकता की बात और दुनिया भर के मुद्दों की बात करते हैं। इस भाषण में आपको गद्दारी की एक और परिभाषा मिलेगी। जी हाँ, गद्दारी की, अभी सुन लीजिए, कभी इस पे अलग से कर दूंगा मैं संग्रह। बाढ़ अकाल की वजह से अनाज की किल्लत हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो वो सारा दोष उन लोगों पर डाल देते हैं जो जमाखोरी करते हैं और इस देश से गद्दारी करते हैं। गद्दारी, सुन लीजिए, ऐसी हालत में भी लोग ऐसे हैं, चाहे वो व्यापार करते हो या कुछ, लोगों की मुश्किलों से फायदा उठाते हैं अपने फायदा के लिए, जो कि बजाय इसके कि इस वक्त मदद करें औरों की, और एक बोझा हो जाते हैं और गलत रास्ते पे चलते हैं और चोर बाजारी होती है। ये सब बातें अगर आप शिकायत करें तो सही आपकी शिकायत, क्योंकि जो ऐसा काम ऐसे मौके पे करें और जो मुल्क की जनता इस तरह से नुकसान पहुंचाएं, हानि पहुंचाएं, क्या बात है, ये कहिए उनकी कमजोरी, हो सकता है कमजोरी, लेकिन असल में जो भी आदमी ये करे ऐसे मौके पर तो मुल्क के साथ गद्दारी करता है। अब आप दोस्तों 1959 के भाषण में आइए, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब वो भाषण देते हैं तो फिर वही आजादी की लड़ाई की कहानी फिर से याद करते हैं। गांधी जी के नाम पर वही सारी बातें करते हैं, मगर परेशानियां तो अब बढ़ रही हैं, महंगाई तो सुरसा की तरह अपना रूप बढ़ा रही थी, लेकिन इस महंगाई का क्या जवाब देते हैं, खुद सुनिए। आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की और इस तरह की बातें, कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हमारे इस समय, हालांकि काबू में आएगी, कुछ इंसान की बनाई हुई, इंसान की खुद गर्जी की बनाई हुई। देख रहे हैं ना, सारी मुसीबत जनता पे ही थोप दो और फिर जनता को ज्ञान देने लगो। हर वक्त एक आदत पड़ गई है देखें कि सरकारी अफसर कुछ कर दे, सरकार उनके लिए कुछ कर दे, बजाय इसके कि खुद उठ खड़े हो काम करें। केवल ज्ञान ही ज्ञान, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, देश को बढ़ाइए। सुनिए, कैसे बढ़ती है कौम अपनी मेहनत से, कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है अपनी मेहनत से, कोई जाके औरों की खैरात से तो उठते नहीं लोग। फिर ये भी बताते हैं नेहरू जी कि अमेरिका यूरोप इसलिए खुशहाल है क्योंकि वो मेहनत करते हैं। कभी ये नहीं सुना मैंने भाषण में कि उन्होंने हमारा खून चूस लिया, बल्कि ब्रिटेन की तारीफ ही करते हैं कि मेरे कितने अच्छे संबंध हैं हम लोगों के। तो आप इनकी खुशहाली का राज इन्हीं से सुन लीजिए। चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हों, ऐसे खुशहाल हों, सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है। और मजे की बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि नेहरू जी ये बताते हैं इस देश के लोगों को जो शोषित हैं, जिनका खून चूस लिया गया, इतना काम कराया गया कि हमारे अंदर मेहनत करने की आदत नहीं रही। बयान सुनिए।
हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। अब आप 1960 में आइए दोस्त, पहली बार सैन्य शक्ति की बात करते हैं, तैयारी करने की बात करते हैं, सैनिकों की तो तारीफ करते हैं लेकिन फिर आम जनता को कोसते हैं। देखिए कैसे अपनी ही जनता को कोस रहे हैं। तैयारी के माने खाली तोप बंदूक और फौज नहीं है, उस तैयारी के माने मुल्क भर में एक एक शख्स, एक एक मर्द औरत, लड़का लड़की के लिए कुछ न कुछ दे, तैयार हो, अपने दिल को मजबूत करें, अपने दिमाग को मजबूत करें और साथ मिल के चलना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत लोग अलग अलग चलते हैं, हमारे मुल्क में बहुत कम लोगों को पैर मिला के साथ चलना भी आता है। अब 1961 में आइए, इस भाषण में भी जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, मगर इस भाषण में आपको एक दिलचस्प चीज सुनाता हूं दोस्त। इसमें कहते हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण कर ले, छीन ले, उस पर कब्जा कर ले। इससे पहले ही तो लद्दाख वाला मामला था ना, वो तो खैर वो संसद के भाषण में कभी आपको सुनाऊंगा, सुना भी चुका हूं बल्कि। लेकिन इस भाषण में वो कहते हैं, वो पुराने जमाने की सोच है, और याद रखिए ये 1961 का जब आप सुनेंगे तो याद रखिएगा कि 1962 में ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया, हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली थी। बयान सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये पुराने जमाने की बातें, हमला करना इधर उधर, पुराना जमींदारी जमाना, नवाबों का जमाना, राजाओं का जमाना, जो कि राज को अपनी जमींदारी समझते थे, बढ़ाते थे, घटाते थे, वो जमाना अब नहीं रहा, नया जमाना आया है। अब अपने अपने घर में रहे, अपने अपने देश में रहे लोग, और औरों से सहयोग करें, और देशों से घटाने बढ़ाने का, अपनी सीमाओं का जमाना नहीं है। और अगर कोई ये करता है तो आजकल के जमाने में नहीं है, वो किसी पुराने जमाने का शख्स है। देख रहे ना किस गलत फहमी में जी रहे थे नेहरू जी। 1962 में आइए, फिर जनता को जागरूक करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि 6 महीने बाद होना क्या है। जाति भेद की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं, इनको कोई भनक नहीं है दोस्तों कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन गद्दारी की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं, सुन लीजिए। छोटी छोटी बातें होती हैं बहस की, खैर बहस हो ठीक है, बहस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि मुल्क के साथ गद्दारी करनी है, आपस में फूट करना, मुल्क को कमज़ोर करना है, और ये जो आज़ादी इतनी मुश्किल से आई थी इसको खतरे में डालना है। देख रहे ना, अब आपको मैं नेहरू के आखिरी भाषण पर लेकर आता हूँ, 1963 का भाषण, लाल किले के प्राचीर पर नेहरू का आखिरी भाषण, 17वां भाषण 15 अगस्त का। चीन से भारत बुरी तरह से युद्ध में हार चुका है, लेकिन अफसोस नेहरू फिर वही ज्ञान की लंबी लंबी बातें करते हैं। आपको मैं सुनाता हूँ, चीन ने हमला कर दिया, आप ये बयान सुनिए, नेहरू की गलत फहमी दूर हो गई जो अब तक 47 से पेश कर रहे थे, लेकिन इसे भी वो अपनी उपलब्धि मानते हैं कि हमारी गलत फहमी दूर हो गई। बयान सुनिए ना। फिर यकायक आप और हम सब को धक्का लगा जबकि हमारी सरहद पर हमला हुआ, एक मुल्क जिसको हम दोस्त समझते थे उसने जोरों से हमला किया और हादसे हुए सरहद पर, लंबी सरहद पर। हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लेकिन उसका भी नतीजा एक अच्छा हुआ, वो ये कि उसने हमें इस गफलत से निकाला और सारे मुल्क में एक नई हवा फैली, नई हवा चढ़ी और लोग तैयार होने लगे और हर तरफ एक जोश था और एक कुर्बानी की जाती थी, त्याग किया जा रहा। अब आपको एक पैटर्न नज़र आया होगा दोस्तों कि नेहरू विदेश नीति के मामले में भारत की तारीफ करते हैं, मतलब अपनी तारीफ करते हैं क्योंकि वही विदेश नीति हैंडल कर रहे थे, और जनता को कोसते हैं कि जनता कुछ नहीं करती है। लेकिन अब 1963 के इस भाषण में समझिए उल्टा हो गया,
विदेश नीति में ही भारत फेल हो गया, क्योंकि चीन ने हमला कर दिया और भारत के हजारों किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया। और दूसरी तरफ जनता को कोसते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन आप देखिए चीन युद्ध में उसी जनता ने सबसे अधिक बढ़ चढ़कर साथ दिया। और खुद नेहरू बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अपने सारी संपत्ति को लेकर देश के नाम कर दिया, सोना चांदी जेवर, गरीबों ने तो सब कुछ डोनेट किया। बयान सुनिए इनका। मुझे याद है अब भी, और आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से लोगों ने, खास कर हमारी आम जनता ने उस समय महीनों तक अपनी हर चीज जो उनके पास थी देने को तैयार हो गए, पैसे दिए, हमारे कोष में सोना चांदी सब कुछ दिया, और सब में ज्यादा उन्होंने दिया जिनके पास सब में कम था। तो कुल मिलाकर दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। मैंने जितना समझा, सुना, देखा, पढ़ा, लिखा सैकड़ों घंटों की मेहनत से, और जो ये 17 साल का भाषण मैंने आपके सामने डिकोड किया, नेहरू के भाषण की मुख्य बातें आप समझ लीजिए। केवल इस बात का गुणगान कि हमने आजादी कैसे पाई, करते लेकिन कब तक करेंगे, कहीं तो रुकेंगे, फिर तो अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, देश आगे बढ़ाना है ना। लेकिन नहीं, महंगाई बेकारी की बात तो की, लेकिन कोई ठोस कदम की जानकारी नहीं कि हमने किया क्या आखिर में 17 साल तक, कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। उससे पहले भी तो यही प्रधानमंत्री थे। किसी भी भाषण में, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की चर्चा नहीं। एक जगह मैंने वो 1957 वाले में जब वो तात्या टोपे की बात करते हैं तो लेकर के बाल गंगाधर तिलक तक आते हैं, लेकिन क्या आज़ादी की लड़ाई में किसी का योगदान नहीं, किसी का नाम तक नहीं लिया? अगर मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं करेक्ट करूँगा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया दोस्तों। आप सोचिए किस प्रकार की चर्चा कर रहे थे वो। लेकिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी, उनकी चर्चा तो की गई 1947 में, नहीं देखा, लेकिन 1948 में जब उनकी हत्या हुई उसके बाद से लेकर हर बार महात्मा गांधी की चर्चा की गई। तो क्या इस देश की आज़ादी में और किसी का योगदान नहीं था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने त्याग किया वो कोई बोल नहीं था। इस भाषण में कहीं चर्चा नहीं होती है दोस्तों। हर भाषण में दंगा फसाद का डर दिखाया गया, हर भाषण में, कमोबेश एक आध एक्सेप्शन हो तो देखिएगा, लेकिन मैंने तो हर भाषण में ऑब्जर्व किया, किसी भी भाषण में पौराणिक ग्रंथों की चर्चा नहीं। हमारे लिए रामायण, महाभारत, इससे बड़ी प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? गीता, तमाम चीजें दोस्तों, इतने सारे संदर्भ हैं, किसी की चर्चा कभी नहीं। अगर हो तो मुझे बताइएगा, किसी को भी, मैं कांग्रेस के लोगों से भी बोलता हूं, अगर आपके पास हो तो बताइएगा, किसी भी भाषण में पौराणिक संस्कृति, सभ्यता या संदर्भों का कोई उद्धरण नहीं है। आप याद रखिए दोस्तों, पूरी दुनिया का इतिहास खंगाल लीजिए, वही देश, वही सभ्यता फिर से उठकर खड़ी हुई है, जो अपनी पौराणिक संस्कृति, सभ्यता और ग्रंथों पर गर्व करती है, उससे वो प्रेरणा पाती है। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति में डूबे हुए एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके हाथ सत्ता, चुनाव उस समय जो वोटिंग हुई थी 1947 वाली, आपको पता है वो तो गांधी जी के कहने पे हुई थी ना, और उसी का असर है, और इसीलिए इस देश में वो ताकत पैदा नहीं कर पाए जो जनता 1962 के युद्ध में दिखाती है। वो उसे हीनता के भाव से देखते हैं, और इसी का असर है दोस्तों कि ये यहाँ का लोकतंत्र कई दशकों तक एक परिवार, एक पार्टी और एक ही व्यक्ति के ऊपर सेंट्रिक होकर रह गया। मैंने कोशिश की दोस्तों कि इतने परिश्रम के साथ आज के विशेष दिन के लिए मैं आपके सामने एक ऐसी चीज प्रस्तुत कर सकूं जो इतिहास के अंधेरे में छिपी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप पहले की तरह मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप सहयोग कर सके तो सहयोग भी कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मुहिम को आगे ले जाना आपके बिना संभव नहीं है। लेकिन साथ में दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि
वो समझ सके। हो सकता है कि लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि इस देश में हुआ क्या है, कैसे इस देश को चलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।